के इस खेजली पिरायण संस्थान के द्वारा आयोजित जीव रक्षा द्वारा आयोजित इस मेले में मुख्य अतिथि के रूप में पधारे हुए राजस्थान के लोकप्रिय वन मंत्री आदरणीय हेमाराम जी चौधरी साहब, हमारे यहाँ के राज्यसभा से सांसद और पहले विधायक रहे आदरणीय राजेंद्र जी गहलोत साहब, जोधपुर भाई फलोदी से एमएलए आदरणीय बाबाराम जी डाका साहब, लॉर्ड एमएलए कृष्णराम जी उदानी साहब, महासभा अध्यक्ष भाई देवेंद्र जी बुढ़िया साहब, जोधपुर के पूर्व जिला प्रमुख भाई बुनाराम जी चौधरी साहब, एसीजीएम साहब श्याम सुंदर जी विष्णु साहब, श्याम सुंदर जी जस साहब है खिलेरी है, कोई खिलेरी बैठा हो तो राजी हुई इमाज से बहुत बदलो, खिलेरी बहुत खतरनाक है, बदलो ले अरविंद जी खड़वासरा डिप्टी साहब, भाई दादूराम जी के सुपुत्र सुरेश जी साहब, इंद्रजीत जी जीव रक्षा अध्यक्ष जी, पद्म श्री हिमदाराम जी बाबू साहब, हिमदाराम जी बाबू बहुत जीव रक्षा का काम करे, नागौर भैया है और जाट बाबू है, हम पूरे विश्व समाज पर बाबू साहब मैं आपको स्वागत करा, कटो हमारे कोई गलती रहेगी आपके पोती प्रौढ़ में तो आप क्षमा करो, दिल मोटो रखो। हाँ हुक्माराम जी खीतड़ साहब भरिया है, आपको भी मेले में स्वागत है, हुक्माराम जी विराजो। भाई अटकियों में रामलाल जी डेयरी चेयरमैन साहब, मोहनलाल जी पूर्व प्रधान मदासर, भाई बेटा विक्रम कोकर अपने इंडियन ऑयल में मैनेजर हैं, अजय जी तरड़ विष्णु साहब, अपने अरविंद सिंह जी जोधपुर विश्वविद्यालय के हाल ही में नए नवेले चुने गए अध्यक्ष छात्र संघ के, सभी साधु महात्मा विराजमान इनके चरणों में नमन, यहाँ पे पधारे हुए प्रेस वाले आदमी को दिख तो नहीं रहे, सम्मानित प्रेस मंच पर विराजे हुए विष्णु समाज के तमाम मुखिया, कोई नाम लेने में गलती रही सभी समूह नहीं है, सभी समाज का मुखिया और ई मेले में आयोड़ा बारला सभी मेहमान और सामने विराजमान भारी तादाद में किसान भाइयों युवा साथियों माताएं बहने तो आपने देख नहीं, कोई मंच माता है कोई डीजी है, गहलोत साहब आप पहली मीटिंग में लाई थी तो कोई लेडीज नहीं, मैं उन्हीं बुंदे जगह ही कौन रखी, आज मैं सबों पहले तो 363 शहीदा ने नमन करूं जैन आज श्रद्धांजलि आप इकट्ठा किया, मैं नमन करूं और पांगे जो भी लारे जो परिवार है और प्रार्थना कर रहे स्वामी जी भगवान हूँ, आज सोमवार है महादेव जी के दिन है, जो भी लारे परिवार है सभी भले भूले और भागो जो हमारे समाज में जो एहसान है वो मैं कदी नहीं उतार सका, बात 363 शहीदा ने मैं नमन कर। आज 180 यूनिट रक्तदान हुई है, मैं पूरे रक्तदान देने वाला सब टीम ने और टाइगर फोर्स ने टाइगर फोर्स के मुखिया भाई रामपाल जी और लेखराम जी और ओम जी हम सब ने भी बहुत बहुत धन्यवाद है, वहाँ 180 यूनिट बहुत बड़ी बात है, गप्पा मारनी हो रही है, रोटी जीमनी हो रही है, खून देना बहुत दूर है और कोई भी नहीं होगा खून बहुत दूर है, तो बहुत बहुत धन्यवाद है रामपाल जी आपकी टीम ने, मैं आज भी जो महंगे मेहमान पधारिया है विशेषकर भाई आदरणीय अपना वन मंत्री जी हेमाराम साहब को मैं बहुत हृदय स्वागत करूं कि आप कीमती समय निकाल और हमारे ये मेले में पधारिया, समाज को मान सम्मान बढ़े हो, मैं पूरे समाज की तरफ चौधरी साहब आपको बहुत बहुत सम्मान करूं और उम्मीद करूं आपके उज्जवल भविष्य की, हेमाराम जी ने आप सब जानो 1980 वहाँ पे एमएलए है और बहुत साधारण आदमी है, मैं आने कतई कोई गुस्से में नहीं देखे आते लाल, करीब 40 सालों में आपने आप देखो हेमाराम जी को हवा बैठो है, जितनी बार ही मिली हो मैंने कोई बदलाव लागू ही नहीं, एक ही जड़ा लगा कभी, मैं क्यों आपने साफरी नहीं आवे कभी गुस्सा नहीं आवे बात कही, एक ही जड़ा स्वभाव का, तो हेमाराम जी आपको ये
बातें मैं पूरे समाज के अंदर हृदय स्वागत करूँ और ईश्वर को प्रार्थना करूँ आप दिन रात चौकी प्रगति करो और हमेशा किसान नहीं आप सेवा करते रहो। आई मैं ईश्वर को प्रार्थना। राजेंद्र गहलोत साहब आपने पीछे बता रही है, आप ही लंबे समय राजनीति में है, पहले मंत्री भी दिया, विधायक भी दिया, अब राज्यसभा में सांसद है, तो आपको इसने समाज में विशेष जुड़ाव है। हाल ही में आपने 25 लाख रुपया आपने मुकाम में जो है टॉयलेट बनाने वास्ते बाथरूम बनाने वास्ते लिया है, पूरे समाज की तरफ गहलोत साहब ने आपको बहुत बहुत आभार व्यक्त। अब तेरालियां बजा दी गहलोत साहब देखे शांति होगी, अजय मैं बड़ मांगला आप टेंशन में आएगा 25 लाख तो अजय लागा को नहीं बड़ा मांगना रू जी टेंशन करे को नहीं, हमारा बहुत पुराना मित्र तो साहब का मेरे मत मित्र तो व्यवहार रखी हो, मैं तो आज भतीजी हूँ और मारे दो तीन गन्ना है साहब का दोस्त ही हाँ, और मारे एक मित्र है राजेश जी कच्छा बांगा हका भी है, वो मारे एक तरह परिवार रिश्तो राजेश जी तो बांगा हका है, मेरा हका भी हो गया दो दो रिश्ता साहब। मैं अब आपका भी लंबे टाइम में बैठा, मैं थोड़ा मीटिंग लंबी खेड़ी चाहता, वैभव जी गहलोत जो है सीएम साहब का सुपुत्र वह भी आ रहा है भावी के ने आएगा है, तो गहलोत साहब ने निवेदन करियो मैं भाई आओ जी आप रुको, पर है कि वो भतीजो जो है मैं काको हूँ मेरी मर्जी में तो रुको जो आपकी इच्छा है। अब ये अड जगह जो है आपने मेला स्थल हो अरे मेरे दिवस में एक तो गहलोत साहब को मैं आप बहुत बहुत आभार व्यक्त करा आदरणीय अशोक गहलोत साहब को, इज्जत में एमएलए होते थे 50 लाख दिया मैं टूरिस्ट विभाग की तरफ लगा, हालांकि मैं कम लगा बेटा 30 लाख रुपये ही लगा, और भी के बाद जो है हमारे महेंद्र के कार्यकाली टाइम लाड़े दो तीन साल पहले गहलोत साहब 50 लाख अमृत स्मारक वास्ते भी स्वीकृत किया, वो काम भी हो गया, तो मैं गहलोत साहब को बहुत बहुत आभार व्यक्त करूँ। हालांकि वो काम थोड़ा गड़बड़ हुआ, शिलालेख आधा शिलालेख गिर गया, वो टेंडर पाछो हुआ है और मैंने व्यवस्थित कर पाछा खड़ा कर देवा महीने भर के मामा आप मैं आप सब लोगों ने बता देने चाहूँ, थोड़ी मिस्टेक मेरी भी रहेगी और मैं भी समय में इलेक्शन वगैरह आपके पीछे आयो एक साल पहले, उसके बाद मैं चुनाव आ गया पंचायत का राजस्व अभियान आएगा तो मेरे ऊँटा आईजी को नहीं हो, थोड़ी मेरी लेबोरेटरी या हमारे मेला कमेटी की लेबोरेटरी वो काम काज को ध्यान नहीं रखियो, काम में कोई गलती नहीं वो आर्किटेक्चरल मिस्टेक ही मार फुट पर मार डाल लो जमीन में पांच इंच निकलने में एक इंच के एक भाटे के मार अटका दियो, नहीं वो अपन ने थोड़ी गलती रहेगी और समाज में थोड़ी मारी भी ढूंढो लगो, मैं समा प्रार्थी हूँ पूरे समाज हूँ जो भी गलती हुई है ये गलती ने महीने भर के माँ मापा सुधार देवा और एक सुंदर स्मारक जो है वो आपके हाथ में। अब एक ही में और मिस्टेक रही है मूर्ति थोड़ी अमृत देव जी नीचे है भी आप जो थोड़ी 2 फीट इन और ऊंची ले लिया तो इनकी हाइट भी बढ़ गई और सुंदर हो गई, तो मैं एक दिन पूरे विष्णु समाज की तरफ और मेला कमेटी गहलोत साहब का बहुत बहुत आभार व्यक्त करूँ इस चीज को भी। लाले 2 साल पहले गहलोत साहब आपने मेले के दिवस माते जो बाजू सुधी 10वीं की है इनकी छुट्टी की घोषणा करी है, गहलोत साहब को मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करूँ और पूरे मंत्रिमंडल को हेमाराम जी साहब भी मैं भेड़ा मंत्रिमंडल उतरे हुआ करे कोई भी बात तो हेमाराम साहब आपका भी बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि आपने पूरे विष्णु समाज का मान सम्मान बढ़ाया और खेजली जो बलिदान दिवस है उस दिन आपने पूरे राजस्थान में छुट्टी की घोषणा की है, तो आपका बहुत बहुत आभार धन्यवाद। आपके विधायक का भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ महेंद्र का भी, उसने भी पूरा प्रयत्न करके लगन करके छुट्टी की जो घोषणा सीएम साहब से करवाई है उनका भी मैं धन्यवाद देता हूँ। महेंद्र आज विदेश होने की वजह से मेरे आ नहीं पाए सीधा ने सदन जो ने हीरो अंडा कंपनी की मीटिंग ही तुर्की में भी मैं जानो पड़ियो इन वास्ते वो आपके पीछे आ नहीं पाए। अब मुख्यमंत्री जी पहले आपने ध्यान है साफ थका अरे 1982 में वो सरोवर बने हो 1982 में और हाथ ही वो बने हो स्मारक स्मारक की मैं 2010 में रिपेयरिंग कराई जब आप अशोक जी 50 लाख रुपये दिया आपने इनके बाद इस सरोवर की स्थिति ठीक नहीं तो एमएलए को सू महेंद्र 11 लाख रुपये लिया और भी आरसीसी को काम तो आप सरोवर में करा दियो हाँ और इनके बाद जो है टाइला लगाने का
काम है वो हफ्ते भर बाद शुरू हुई तो पाचो पुरानी जड़ी स्थिति में आ जाए। इनके बाद एक 9 लाख रुपया पंचायत समिति वापस स्वीकृत कराया। मैं हनुमान सिंह जी राजपुरी साहब को और आपने जोगाराम जी बुढ़िया साहब का बहुत आभार व्यक्त करूँ और पंचायत सरपंच साहब भाई अपूराम जी गोदारा साहब को आभार व्यक्त करूँ। 9 लाख रुपया मैं स्वीकृत किया। आपने आज आप सब विराज सभा स्थल के नीचे इनके ऊपर छत कमजोरी पूरे में छत जो है नई छत पड़े यहाँ टुकड़ी लगा दी टाइल्स की। तो मैं पंचायत समिति को और सरपंच साहब को प्रधान साहब को प्रधान जी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करूँ कि आप हमारे यहाँ जो है समाज ने 9 लाख रुपया दे रो काम करे। एक आपने ध्यान है लाली डैम में अंदर 3 साल पहले मेले में घोषणा करी पानी की टंकी की 25 लाख रुपये की। तो मैंने बताना बहुत बताया तो बहुत खुशी है कि आप टंकी जो है बन तैयार होगी और आप भक्तासी सप्लाई भी करा लो पानी की और साथ ही साथ आपने खिजली जो संस्थान वास्ते भी यहाँ टंकी आपने काम आ। इनके अलावा एक और लेन जो है महेंद्र चेंज की लेन है आपने जो कहीं कह रहे हाँ जे जे एम स्कीम में करीब कितना पैसा लगेगा हवा करोड़ की स्कीम है फुली तो हमें लागे जो एक अलग लाइन है जी आपने सरोवर के माँ जो आपनो सरोवर में पानी इकट्ठो वही माँ चेंज की लाइन अलग है और टंकी की लाइन अलग है तो दोनों ही काम व्यवस्थित हो गया है। अब भविष्य में क्या मेरी प्लान है मेरा प्लान है पूरा आपने गार्डन लगो। एक गुजरात के आदमी आप बात करी यहाँ वो ये नक्शो बनाई और गे टू लेर ये खुने तक पूरा गार्डन लगा दी। गार्डन नहीं व्यवस्थित लगे ये नहीं है खाली लॉन लाग जाता पूरा लैंडस्केपिंग हुई और शानदार गार्डन गहलोत साहब जी अपने आप अक्षरधाम मंदिर देखे होला दिल्ली वालों गुजरात वालों कहीं नहीं गया पिंड टाइप सुंदर बगीचों अटे वेला और श्रद्धालु जो अटे आवेला तो बिने पूरे दिन रुकने मजबूर कर देना आई कोशिश करा और दूसरे समाज के लोग भी आवे तो मन लागेला कि भैया कोई जगह है विष्णु समाज सही देंगे याद में जो जगह बनी है वो अट आवेला तो मन लागेला कि भाई समाज विष्णु समाज माँ सही देने भूलियो नहीं है मांगे याद में पढ़ा खाली थे मोड़ा बैठा हो दाड़िया बुजुर्ग काम नहीं चले रुपया 3-4 करोड़ रुपया खर्च है। बाकी है कोई ठीक ठाक रिपेयरिंग करोड़ का आने टंकी आला आने तो पे आ जाए एमएलए को लेकिन वो पैसों समाज ने लगाना पड़ेगा तो ये वास्ते एक बार स्कीम भी लाया प्रति परिवार 1100 रुपया हर साल वो भी दे दो तो मारो काम चलती और भी अलाव भी मैं दान देता हूँ भी दान दे वाला। तो मैं आपने बता दूँ महीने भर बाद ये काम अगले दीपावली पहली पहली काम आप शुरू कर डाला और सुंदर गार्डन अटे वेला और उम्मीद करा कि जो आप अगले मेले में पाचा होला तो आज जगह आपने अलग ही नजर आवे आई मेरी कोशिश देना कि मैं सबको आपको आशीर्वाद दूँ। एक मेरे दिमाग में अटे सुंदर मेहमान बारला बहुत आवे जीव वृक्षशाला अध्यक्ष आएगा और भी कोई मेहमान बारू आवे हरियाणा पंजाब और कोई आड़े पाड़े जिले हुआ तो मांग रुकने की व्यवस्था कमजोर है वो वास्ते 50 लाख रुपया की लागत हूँ 4 कमरों को एक डाक बंगलो आप बनाऊंगी कोशिश करा। आप सब लोगों को मंच मत बैठा लोगों को आशीर्वाद हुई तो 50 लाख रुपया की लागत हूँ 4 कमरा एक डाइनिंग हॉल रसोई और एक बड़ो बैठक हॉल जी आने वाला मेहमान ने तकलीफ नहीं हुए वो भी आपने अगली साल तक बन तैयार मुझे या उम्मीद रखा मैं जल्दी एक मेरा प्लान हो। अब थे आप सब लोग आशीर्वाद हूँ आप आटे भोजन अमृता देवी भोजनशाला शुरू लाली डैम आप अप्रैल में भिड़ा हुआ फिर डैम आप आटे देख रही कि भैया भोजनशाला अटे बनावनी चवा आया गया मेहमान ने भूखा नहीं जावे अटू शहीदा ने जो श्रद्धांजलि जावे वो आदमी अटू भूखो नहीं जावे ये आप सब लोगों को आशीर्वाद मिलियो और करोड़ों रुपया भिड़ा हुआ 1.5 करोड़ रुपया बीटे आपने वास्ते आपने भिड़ा हुआ पैसा मैं आप सबने बहुत बहुत धन्यवाद दूँ। और अब मेरी मंशा है कि भोजनशाला के वास्ते एक सुंदर रसोई और एक बड़ो डाइनिंग हॉल करीब 50 लाख रुपया की लागत में मैंने बनावनी चाहूँ वह आप सबको मैंने आशीर्वाद सही थे डरो मती पैया मैं लगा दे दूजे लाड़ो ते घबराई मती बोलिया को मैं गम थे कि वहाँ चंदो देना पड़े तो इन वास्ते 20 लाख रुपया आपने निरती टंगी जो राजेंद्र जी गहलोत साहब के साथ ही एमपी है मैं 20 लाख रुपये की घोषणा आपने देवण की करी है
मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूं, मैं आपने बीच आज आ नहीं सीखा कमेटी को गहलोत साहब दूर, और साथ ही साथ राजेंद्र जी गहलोत साहब आपने भिड़ेजी आए, मैं चाहूँ कि आप घोषणा आमद ही छोटू जीती करे, जो भी जीतो धारे पिछले समाज लाड प्रेम है भैया, मैं थाने बता दिया मैंने 50 लाख रुपया लागे था और 20 मारे आ गया है, बाकी है जो मैं गहलोत साहब जीतो आप देनी चाहो पूरा दो आपको महत्वपूर्ण है, जो आपको दिल भी है आपके जीते में आप बोलो ना, मैं घोषणा कर दे, मैं तो पूरे विश्व समाज की तरफ आपको निवेदन कर सकूँ कि जो भी मारे आपको जीतो बन पड़े मारे ने समाज के आप भोजन शाला के माँ बढ़ाऊंगा प्रयोग करो। अब रही मंदिर आपको बढ़िया 5-6 साल बहुत सुंदर मंदिर बढ़िया है, हालांकि मैं तो सुंदर ही कहूँ लेकिन सुंदर तो आप सब लोग क्यों ना हुई मंदिर कुकर लागू है तो करो, मैं तो पीछे हो कौन नहीं आपके बढ़िया जैसे जो भी, लेकिन बनाने वाली पंचायती में भेड़ो हो और बनाने वाला की तो मारे गे पीरा रोज दिखा भाई आपने पीछे नहीं दिया, आज मैं भानाराम जी बाबल नहीं याद करूँ मैं भी आपने आज पीछे नहीं दिया, एक्सीडेंट दो महीने पहले डेथ होगी अप्रैल में, तो मैं भानाराम जी साहब ने भी मौके श्रद्धांजलि अर्पित करूँ, लंबे टाइम भानाराम जी बाबल आपने संस्था में जुड़ रहा और दो दो तीन तीन दिन आप भेड़े में रुकता भंग सेवा देता एडी शिक्षित आपने पीछे ऐसे में जानो बहुत तकलीफ दे है, लेकिन ईश्वर के आगे की कोई जोर नहीं है, तो आप सबको आशीर्वाद हूँ, आप भोजनशाला हो जी एक थोड़ी जमीन चाहिए, मैं नारे बहनी वाला सब लोगों की जमीन है भानजी ने अनुमान ने भी निवेदन करी हूँ कि मन बढ़िया है बहुत, तो उम्मीद करूँ भानजी माने 10-15 फुट अगर नारे जमीन दे दे हमारी तो रसोई भी मैं बन जा अगली जगह हमारे भी पूरे पूरे माँ अपने बड़ो हॉल बन सके ताकि 5-2 हज़ार आदमी एक हाथ रोटी जीम सके, वह भी मैं कोशिश कर दिया, उम्मीद है बहुत जल्दी कोई काम होती। एक बहुत जल्दी मैं काम शुरू कर दिया, आप हमने जो कमरा बनियोड़ा आपने दिखे बाहर निकलते हैं गेट विंग माँ एक लाइब्रेरी बना रही है बच्चा के पास 5 लाख रुपये में खर्चो आई 4-5 लाख वो काम मैं शुरू कर दिया, छत को फर्श को काम चालू हो है 10-15 दिन बाद तैयार कर दे, आजकल कही है कि बच्चा पढ़ने वास्ते एक जगह चाहिए घर वो अलग जान पड़िया करे, हमारे राम साहब पहले तो टाबर घरे पढ़ता आजकल लाइब्रेरी में जान पड़िया करे, नई कल्चर डेवलप हुई है अरे बच्चा की डिमांड ही मारो कि भाई हमारे अरे एसी लाइब्रेरी बना दी जाए, तो एयर कंडीशन मांग वास्ते एसी चारों में कांच लगा दे वहाँ दरवाजा कांच का दरवाजा हुई और फर्श भी अच्छी सुंदर कर दे वहाँ, और मैं चाहे तो किताबों की व्यवस्था भी मैं करा दे वहाँ, 15-20 दिन के माँ माँ हमारे सब पढ़ने वाला बच्चा वास्ते आप 5 लाख खर्च कर हमारे मेरे प्रशासन संस्थान की तरफ और जल्दी ही मैंने बच्चा के पास सुविधा कर दिया। दूसरा मेरा निचुड़ी है कि आप रजिस्ट्री वालों काम नहीं उड़ जा, कोई कारणवश काम रजिस्ट्रिया हो नहीं पाई वो काम नहीं उड़ जा, तो दिसंबर में ही मैं मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा रखनी चाहवा, ये मैं आप सब मेले के अलावा पहली रखनी चाहवा, आप सब सहमत हो तो दिसंबर में आते करता अगर रजिस्ट्री हो जा तो, ये मैं आप सब सहमत हो मेरी कथा वगैरह भागवत कथा वो की आयोजन करते हैं हफ्ते भर को और मेले वो अलग हुई तो मेरे ख्याल ठीक रही, एक हफ्तों आनो जानो भी हो जी और एक मेला माहौल भी बन जी और मुख्यमंत्री जी और मंत्रिमंडल का ज्यादा से ज्यादा सदस्य हमाराम साहब गहलोत साहब आप सब ने निवेदन करा सभी लोग अपने जोधपुर जिले का प्रमुख प्रधान MLA सभी हमें समाज का अपना जो हरियाणा पंजाब UP MP समूह सगला नेता ने बुलावा और अपने शानदार आयोजन दिसंबर में करने की कोशिश है, अब मेरी तो कोशिश है करने वाले जामे जी के हाथ में वो दिसंबर में चाहिए तो मांगे हाथ हो जी। दूसरा मेले के आड़े पाड़े जमीन लेने की भी कोशिश करा, जमीन काफी कम है, एक रेस्क्यू सेंटर है हमाराम साहब में अड़े भी बनाने चाहूँ मैं भी वास्ते जमीन लेने की कार्रवाई करा, और एक आपने जो है आप जी गेट में एंट्री लो उन्होंने भी है जो जितना घर परिवार है अभी कहो भाई माने दूजी जमीन दे दो तो मैं आज जमीन मेरे कमेटी ने देता, तो मैं हरदम आंगी भावना को स्वागत करूँ आपने धन्यवाद दूँ कि आप बड़ो दिल दिखे हो आपके मकान का लाखों करोड़ों रुपए का मकान बढ़ी हो रहा है फिर भी आपके माने खाली प्लॉट दे दो मैं तैयार हूँ उन्हें शिफ्ट हो जाऊँ, तो
मैं आपने भी धन्यवाद दूँ और मैं कोशिश करा कि माने अगर कोई दूसरी जमीन मिलती ही तो आपने आप वहां जमीन ले उनकी मैं कार्य कर दिया। दूसरो एमएलएम साहब आपने मारो निवेदन है मंत्री महोदय कि काकानी गुड़ा में जब मैं एमएलए हूँ 2010 में विधे माननीय मुख्यमंत्री जी गहलो साहब जो है 1800 बीघा लगभग जमीन ही वन विभाग ने कम्युनल वो कहीं के कम्युनिटी रिजर्व क्षेत्र घोषित किया वन विभाग, लेकिन वह आज तक जमीन वन विभाग ने नाम चढ़ी नहीं है। तो मेरा आपने विनम्र प्रार्थना है कि वह जो जमीन है जेडीए के नाम ही है भी जमीन ने आप है वन विभाग के नाम कम्युनिटी रिजर्व के नाम आप करो, उनकी जल्दी जल्दी कार्रवाई करो, वही मारो आपने निवेदन है। दूसरो एमआरएम साहब आपने निवेदन है रेणा की रक्षा के वास्ते रेस्क्यू सेंटर जगह जगह गवर्नमेंट खोलिए भी है बंद हो जा, तो मेरा आपने निवेदन हो सेंटर कटे खुल भी जा तो आपके स्टाफ दे हमारा तो खेतली में भी खुली उड़े तो माने वो भी मैनेजमेंट करना पड़े, तो मेरा आपने अभी निवेदन है जटे भी रेस्क्यू सेंटर खुली उड़ा है मांगे आपको स्टाफ प्रॉपर रहे और रात दिन रहे 24 घंटा रहे दो आज के कम कम आपने लगे रखो तो विश्व समाज आपको बहुत ऋणी रहे। साथ ही साथ मैं आपने हमारी तरफ एम्बुलेंस समाज की तरफ देवने में तैयार है, व्यक्तिगत भी लोग देवने तैयार है और हमारे बच्चों सुनील भी एक एम्बुलेंस लाली साल वन विभाग ने देनी चाहिए तो वन विभाग ली नहीं कि भाई मार्केट में बजट नहीं है, तो हमारा आपने निवेदन है जो है जो भी दान में आपने वन विभाग ने एम्बुलेंस मिले उन वास्ते आप स्टाफ की व्यवस्था वास्ते गवर्नमेंट में कोई प्रावधान करो, मुख्यमंत्री आपने जो कैबिनेट मीटिंग में उनमें आप प्रावधान करा लो ताकि हमारी एम्बुलेंस आए मनी जीव जो घायल हुए हमारी जान बच सके। तो मैं आपकी हमारी विनम्र प्रार्थना है लंबे टाइम में आप मांग कर रहे हैं बगैर एम्बुलेंस आपने तो कई बार उड़न दस्तों रात रात ड्राइवर ला देनी बहुत दिक्कत है और रेस्क्यू सेंटर में ही वह एम्बुलेंस रहे तो बहुत बड़ा फायदा मिल जा, और मैं उम्मीद करूँ कि आप अगली कैबिनेट मीटिंग में वो तो जरूर आप प्रस्ताव रखो ना कि जो भी दान में आपने एम्बुलेंस मिले उन वास्ते ड्राइवरी व्यवस्था सरकार करे स्टाफ की व्यवस्था सरकार करे, आई हमारी आप मांग है। हाँ वो कह रही एक उड़न दस्ता जो है आप वन विभाग रहे समाज लोकचारी है आप वन विभाग दस्ता जो है वही तादाद आप बढ़ा दो, उड़न दस्ता है आज लेकिन तादाद कम है आप इन तादाद बदल में काम करो। जज साहब अजय जी साहब सुमार अजय जी साहब और जी पी डब्ल्यू डी में है आप जी पी डब्ल्यू डी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण उसमें आप हैं रामदानी साहब के सुपुत्र हैं आपका मेला कमेटी से और सुमेरी समाज से बहुत बहुत स्वागत है। विजय जी विजय साहब आएंगे हाँ जज साहब का भी आने का कार्यक्रम था मैं निमंत्रण देखा है था उम्मीद करते हैं पधारे तो उनका स्वागत है। आप विजय जी नंदराम जी साहब एम से भी पधारे हैं महेश भाई भी एम से पधारे हैं आप दोनों का भी नंदराम जी का हृदय से मेला कमेटी आपका स्वागत करती है और आपको कौन सभी जानते हैं समाज के लोग दूसरे समाज के लोग भी आपको जानते हैं आप लवे समाज से नैना राम जी और भाई महेश जो बीमार आदमियों की सेवा कर रहे हैं हम मेला कमेटी आपका स्वागत करते हुए बहुत गौरवान्वित कह सकते हैं। तब एक मेरा और निवेदन था हेमा राम जी साहब आपसे आप तो बहुत दरिया दिल हैं एक वन्य जीव फोर्स का गठन करावे जैसे हड्डी रानी बटालियन आ रहे थे उसी तर्ज पर आप एक वन्य जीव फोर्स का जो है गठन करावे और उसका नाम जो है अमृता देवी माता अमृता देवी के नाम पे रखकर आप उस फोर्स का गठन करावे तो विश्व समाज सदैव आपका ऋणी रहेगा साहब। हम गहलोत साहब से भी मांग करेंगे और आपसे भी हमारा निवेदन है कि इस कैबिनेट में आप ये नाम रखावे तो आपकी बड़ी कृपा हो। एक दूसरा मेरा निवेदन था कि अमृता देवी जो पुरस्कार राज्य सरकार दे रही है वो भी अगर इस मेले के मौके पर यहाँ दिया जाए तो आप भी समाज का भी मान सम्मान बढ़ेगा और लोगों को भी लगेगा कि जिस स्थिति की अमृता देवी थी उस जगह उसको सम्मान दिया जा रहा है, तो इसके लिए मेरा आपसे गर्वित निवेदन है हेमराम जी साहब। एक मेरा आपसे मंत्री महोदय निवेदन है खेजली लोग श्रद्धालु आते हैं बाहर से उन लोगों के लिए बाहर लोग कई तो गाड़ियों से आ जाते हैं लेकिन हर आदमी गाड़ी में नहीं आता कई बसों में आते हैं ट्रेन में आते हैं, तो पहले तो क्या यहाँ सड़कें अच्छी नहीं थी अब सरदार सबंध रोड बहुत अच्छी बन गई है माननीय मंत्री महोदय जी। मैं चाहता हूँ
कि आप रोडवेज की बस जो है जोधपुर टू खेजली होते हुए सोजत पाली की आप तीन चार बसें यहाँ से दिनभर में चलवा दें, तीन चार बसें इंदाने की, तीन चार बसें आने की हो जाए तो आने वाले सर्दवाल वालों को कोई कष्ट नहीं होगा, बहुत सुविधा हो जाएगी। फिर आपसे यहाँ जोड़ के विनम्र प्रार्थना है, आगे एक सजाड़ा धाम और है उनके, वहाँ भी उनको भी फायदा मिलेगा, वहाँ भी हरियाणा पंजाब से बहुत लोग आते हैं। तो फिर आपसे प्रार्थना रहेगी राजेंद्र गहलोत साहब से और माननीय सभी हमारे मंत्री महोदय से और हमारे माननीय विधायकों से कि इस और भी आप रोडवेज का ध्यान आकृष्ट करावे, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी आप मंत्रिमंडल में जो आप विराजते हैं साथ उनसे भी आप अतिशीघ्र रोडवेज शुरू कराने की कार्य। अब एक पक्षी धाम भी रतनलाल जी बूढ़िया और पूनम चंद जी बूढ़िया की तरफ से आपके सामने पीछे दिख रहा है, ये पिछले महीने ही बढ़ाया गया है। मैं आप बूढ़िया परिवार का बहुत बहुत मेला कमेटी की तरफ से पूरे समाज की तरफ से आभार व्यक्त करता हूँ कि करीब 6-7 लाख रुपए की लागत से ये पक्षी घर निर्माण करके आपने समाज को भेंट किया है। मैं बूढ़िया परिवार के उज्ज्वल भविष्य की कामना। एक हमारे टाइगर फोर्स की एमआरएम साहब मंत्री महोदय आपसे गर्भवत निवेदन है कि जगह जगह जो पेड़ लगोड़ा वे मन काट दीन है जो उठा दूसरी जगह शिफ्ट करना सिर्फ पेड़ शिफ्टिंग उन वास्ते आप जो है परमिशन की एनओसी के लिए आपसे निवेदन है कि जहाँ कहीं भी जरूरत पड़े जिस जगह भी जरूरत पड़े तो एनओसी की अतिशीघ्र वन विभाग से व्यवस्था हो जाए, ऐसा आप जो है निर्देश वन विभाग को आप दे रहे हैं तो आपकी विश्व समाज में बहुत बड़ी कृपा। और कोई अब मैं सभी जो मेहमान बाहर से पधारे उनके भी मेला कमेटी से बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और महासभा के लोग भी हमारे साथ आए हुए हैं अध्यक्ष जी और पूरे तमाम इनके कार्यकारिणी का भी मैं हृदय से यहाँ स्वागत करता हूँ और जीव रक्षा के अध्यक्ष जी भी आए हुए हैं इनका भी मैं हृदय से पूरे समाज की तरफ से यहाँ स्वागत करता हूँ और भी भंगू साहब और सभी जो मेहमान पधारे हैं समय निकाल के कीमती पूरे समाज की तरफ से मैं हाथ जोड़ के आप सभी का स्वागत करता हूँ प्रणाम करता हूँ। हमारे साथ सरकारी पीपी चौधरी साहब भी यहाँ पधारे हैं, इनका भी चौधरी साहब आपका हृदय से स्वागत है। दोनों ही पीपी हैं, आप लंबे समय से किसानों की सेवा करते हैं, आप दोनों का हृदय से स्वागत है इसका। एक जो है मैं आपने कहा लालू अप्रैल में मीटिंग में तो मांगे थी ये जो पैसा आप 1.5 करोड़ मांगे ने भेड़ा गया, ऐसा पैसा बैंक में एफडी कराओ करीब 2 करोड़ की बैंक में एफडी करोड़ की हमारी स्कीम है ताकि अपने भोजनशाला में जो नागरिक भोजन बनाने वाला रही अठे मंदिर का चौकीदार रही मंदिर की साफ सफाई करने वाला रही और जो बगीचों लगावाएगा बागवान रही बिजली पानी का बिल है पैसे भरने वास्ते पैसे की जरूरत पड़ी रोज रोज थर को पैसे भी नहीं ले सकते ये वास्ते भी वास्ते 2 करोड़ की एफडी की जरूरत अपने पड़ेगा 1.5 करोड़ की व्यवस्था मार्केट होगी है 50 लाख रुपए की और जरूरत पड़ी तो दानदाताओं में आह्वान करूँ आगे आवे और हमारे अतिशीघ्र दान दें, हमारा जो 2 करोड़ टारगेट है वो जल्दी पूरा करे तो ताकि हमारी आती हो सके। अब मैं आप सब आज्ञा लेनी चाहूँ कटे कोई मेले में कोई कमी पेशी रहेगी वे तो माने माफ करियो और जो भी कमी पेशी है माने बताइए जरूर ताकि अगले मेले में व्यवस्था होता रहा। आप सब भारी तादाद में बदलिया और बहुत बहुत आपको अपार व्यक्त करूँ। साथ ही एक बात मैं कहना है मंत्री महोदय ने और गहलोत साहब और एमएलए साहब सब भेजे हैं गए की बहुत बड़ी बीमारी आपने एरिए में फैली है वास्ते अतिशीघ्र आप टीके की व्यवस्था में केंद्र सरकार को गहलोत साहब आप ही मांग करो राज्य सरकार एमआरएम साहब और एमएलए साहब साहिबान मांग करें ताकि गाय की बीमारी है जो है दवाया माकूल रूप आ सके ठीक आ सके। साथ ही साथ एमआरएम साहब आप निवेदन करना जो गाय मरी है कष्ट कराने
ना गए वो जो है मुआवजा तो नहीं उसके, लेकिन आने लोन ब्याज फ्री ब्याज मुक्त लोन की व्यवस्था आपके साथ पाजी गाएंगे लोग खरीदने वास्ते आप करा दो वो मैं आपने निवेदन ताकि पाजी गाय जो है खरीद ला सके आदमी, क्योंकि ब्याज नहीं लगे ब्याज मुक्त आप जो है लोन मिल जा वो मेरा आपने निवेदन है। आप कैबिनेट में आप जरूर रखो ला और मुख्यमंत्री जी आपने मना नहीं करेला तो मैं चाहूँ कि पूरे किसान समुदाय राजस्थान को आपने याद करे इंद्र भगवान की भी बहुत मेहरबानी बहुत अच्छो जमानो हुई है, लेकिन अपना दुर्भाग्य है चारों खाने वाली गए नहीं ये तो चारों में 20 साल में पहली बार देखी हो कभी ये तो चारों नहीं हुई हो, लेकिन अपना जोग है कि मैं खाने वाली गए नहीं है पीछे। खैर ईश्वर की मर्जी है कोई हाथ में को नहीं, पहले कोरोना आई गो दो साल भी मैं परेशान दिया मेरा भी दो साल भरी दिया कोई आज आप पीऊ निवड़िया तो आ गाय वाली लंबी आएगी भगवान को प्रकोप है बैंकिंग हर एक। तो मैं आप सब इजाजत स्थान करें नहीं चाहूँ धन्यवाद जय।